दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फेविक्विक को खाने से क्या होगा? या वेल कभी जमीन पर चला भी करती थी? या आपको पता है कि सांप ब्लास्ट भी हो सकते हैं? अगर इसका जवाब है नहीं, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। नंबर 12, आपको पता तो होगा ही कि पानी में बहुत ताकत होती है, वो किसी भी चीज को खत्म कर सकती है। पर क्या आपको पता है कि पानी शार्प भी हो सकती है? जी हाँ, आपने सही सुना, पानी इतना शार्प हो सकती है कि वो मेटल जैसे सब्सटेंस को भी काट सकती है। और एक ऐसा टूल है जिसे वाटर जेट कहा जाता है, जो पानी को इतनी फोर्स के साथ रिलीज करता है कि उससे मेटल को काटा जाता है। नंबर 11, डायनासोर शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में बहुत ही बड़े और विशालकाय जानवरों की इमेज बनती है, और शायद आपने फिल्मों में भी बड़े बड़े डायनासोर को ही देखा होगा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे छोटा डायनासोर कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि उसका नाम है उल्लू डेंटाविस। ये साइज में एक उंगली जितना ही था, और ये इंसेक्ट्स जैसे ड्रैगन फ्लाई और बग्स को खाता था तथा ट्रीज को अपना घर बनाता था। नंबर 10, दुनिया के किसी भी दो इंसान के फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते, सबके अपने यूनिक फिंगरप्रिंट्स होते हैं। अब आपने जेब्रा तो देखा ही होगा, और आप ये भी जानते होंगे कि उनके वाइट ब्लैक स्ट्रिप्स होते हैं। पर क्या आपको ये पता है कि दुनिया के किसी भी दो जेब्रा के स्ट्रिप्स सेम नहीं होते, बिल्कुल ह्यूमन यानी हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह वो अलग अलग होते हैं। नंबर 9, लायन और टाइगर फेलस डोमेस्टिका यानी कैट फैमिली के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक मेंबर हैं। पर क्या आपको पता है कि भारत को छोड़कर दुनिया के किसी भी जंगल में लायन और टाइगर एक साथ एक ही जंगल में नहीं पाए जाते, लेकिन भारत के गुजरात और उत्तराखंड के जंगलों में ये दोनों महाशय एक साथ रहते हैं। नंबर 8, व्हेल दुनिया के सबसे बड़े जीव हैं। ब्लू व्हेल वर्तमान की सबसे बड़ी जीव है, और बड़े होने के साथ साथ ये बेहद तेजी से तैरते भी हैं। पर क्या आप जानते हैं कि आज से 50 मिलियन साल पहले व्हेल जमीन पर चला भी करते थे? जी हाँ, आपने सही सुना, एक व्हेल के पास क्रोकोडाइल जैसे पैर हुआ करते थे, जो उन्हें जमीन के साथ साथ पानी में भी काफ़ी मदद करते थे। और सिर्फ यही नहीं, उनके प्लेटिपस जैसे टेल भी होते थे। पर अब देखिए, सब इवोल्यूशन का कमाल है साहब। नंबर 7, जब बारिश होती है तो उसकी स्पीड काफ़ी तेज होती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि उसकी स्पीड कितनी होती होगी? तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक की सबसे तेज बारिश की स्पीड 8 मीटर पर सेकंड है, और आज तक की रिकॉर्ड की गई बारिशों में सबसे बड़ी बूंद भी इसी बारिश के हैं। नंबर 6, आपने ढेरों तरह की सब्जियां खाई होंगी, और लगभग सभी सब्जियां हमारी प्रकृति ने हमें गिफ्ट के रूप में दिया है। पर ब्रोकली एक ऐसी सब्जी है जिसे पूरी तरह से लैब में तैयार किया गया है। कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी के डीएनए में कुछ कुछ बदलाव करके ब्रोकली का निर्माण किया गया था। नंबर 5, आप सब जानते ही होंगे कि ह्यूमन यानी हमारी हाइट 18 साल के बाद नहीं बढ़ती, और भी कई सारे बॉडी पार्ट्स हैं जो एक एज के बाद कभी नहीं बढ़ते। पर हमारे जो नाक और कान होते हैं वे कभी रुकते ही नहीं, हमारे नाक और कान तब तक बढ़ते रहते हैं जब तक हम मर नहीं जाते। नंबर 4, क्या आपको पता है कि स्नेक्स ब्लास्ट भी हो सकते हैं? क्योंकि जब वे अपने शिकार को पकड़ते हैं तो वे उन्हें पूरा निगल जाते हैं, और निगलने के बाद उन्हें उसे डिकम्पोज करना होता है, और डिकम्पोजिशन के टाइम उनके पेट में हाइड्रोजन और मीथेन गैस रिलीज होता है। अगर एक छोटी सी स्पार्क भी उन गैस के कॉन्टेक्ट में आ जाए तो सांप ब्लास्ट हो सकता है, जिससे सांप मर सकता है। नंबर 3, अगर आप स्पेस एक्सपर्ट्स की माने तो मार्स पर इंसानों के रहने के लिए कम से कम 110 लोगों से शुरुआत करनी होगी। मतलब जब तक मार्स पर 110 लोग एक साथ नहीं जाते, तब तक वहां कोई भी इंसान नहीं रह सकता। नंबर 2, एक मूवी है जिसका नाम है द मूवी यू विल नेवर सी। ये मूवी 2015 में बनी थी, पर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस मूवी की रिलीज डेट आज से 95 साल बाद यानी कि 2115 में है, और जो मूवी के प्रोड्यूसर हैं उन्होंने इस मूवी को एक हाईटेक सेफ में बंद करके रखा है, जो साल 2015 को नवंबर 18 को ही खुलेगा। नंबर 1, क्या आपने सोचा है कि फेविक्विक को खाने से क्या होगा? क्या वो हमारे शरीर के हिस्सों में चिपक जाएगा? क्या वह जहरीला होता है? क्या हम उसे खाने के बाद मर जाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं।
अगर आप गलती से भी फेविक्विक को खा जाते हैं तो उससे कुछ नहीं होगा। पहले वह आपके दांतों पर चिपक जाएगा, पर आपके सलीबा के कारण वह निकल भी जाएगा। सिर्फ यही नहीं, हमारे ब्लड में एक केमिकल होता है जिसकी वजह से फेविक्विक हमारी बॉडी में नहीं चिपकेगा। दरअसल फेविक्विक एक साइनोएक्यूरिक ग्लू है जिसका इस्तेमाल दवाई बनाने में भी किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बगल वाले बेल आइकन को भी दबा दें। तो अब मैं लेता हूँ आपसे विदा। नमस्कार।